खबर देहरादून से। उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी हो रही है, छात्रों के कोविड टेस्ट पर असमंजस बरकरार। कोरोना जांच को लेकर मंत्री और अधिकारियों की राय अलग अलग। मंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले छात्रों को करानी होगी कोरोना की जांच। प्रमुख सचिव ने कहा कॉलेज आने वाले सभी छात्रों को जांच करानी जरूरी। 15 दिसंबर से खुलने हैं उच्च शिक्षण संस्थान, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुलने जा रहे हैं 15 दिसंबर से। लेकिन यहां पर किन किन को, सौरव भाटिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी से लेंगे। सौरभ, ये बताइए कि 15 तारीख से उच्च शिक्षण संस्थान खुलने जा रहे हैं, लेकिन मतभिन्नता क्या कुछ है? देखिए, क्योंकि कैबिनेट ने के डिसीजन किया था कि 15 तारीख से तमाम जो है उच्च शिक्षण संस्थान को खोला जाएगा, लेकिन कैसे उनका कोविड टेस्ट होगा, कैसे वो क्लासरूम में जाएंगे, क्या उनकी जो गाइडलाइन होगी, इस पर अभी तक कोई भी जो है चीजें खुलासा नहीं हो पाया। कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं हुई जिससे जो है कॉलेज छात्रों को जो है पढ़ाई करवा सके या छात्र जो है कॉलेज जा सके। ऐसे में असमंजस की स्थिति आज भी बरकरार है। अब मैं 2 दिन रह गए हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए था, अधिकारियों को चाहिए था कि एक बेहतर गाइडलाइन जारी करते जिससे जो है समय रहते लोगों को जानकारी मिल पाती और जो उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम शुरू करने की बात की जा रही है वो सहूलियत पूर्ण तरीके से हो पाता। इसके लिए तैयारी जरूर होनी थी, लेकिन अभी तक वो तैयारी नहीं की गई है, जिससे छात्र भी जो है अब ये कहने लगे हैं कि आखिरकार जब जो है कॉलेज जाएंगे तो कोविड का खतरा कितना ज्यादा उनके ऊपर हो सकता है। जी, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसको लेकर तय करना था और उसी तयशुदा कार्यक्रम के तहत ही बच्चों का उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंचना शुरू होना था, यानी कि पहले से तैयारियां की जानी थी। अभी क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि फिलहाल कोई तैयारियां नहीं है, किस तरीके से वो अपने कक्षाओं में पहुंचेंगे, क्या अभी बहुत कुछ असमंजस की स्थितियां क्या? क्योंकि राज्य में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में हर व्यक्ति जो है सहमा हुआ है, डरा हुआ है। ऐसे में सरकार को एक बेहतर गाइडलाइन जारी करने की जरूरत थी, जिसको लेकर छात्र भी इंतजार कर रहे थे कि एक बेहतर गाइडलाइन जारी होती तो शायद जो है छात्रों को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। अभी छात्र ये नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिरकार जब जो है सरकार की गाइडलाइन जारी होती है उसी के तहत जो है स्कूल भी कॉलेज भी जो है उस पूरी व्यवस्था को बनाते हैं जिससे जो है छात्रों की संख्या का पता लग पाता, कैसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जो है छात्र अपनी क्लास में प्रवेश करते, कैसे जो है उनको स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर एंट्री मिल पाती, ये तमाम चीजों की जो जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है जिससे ये कहा जा सके की आदेश जारी होने के बाद अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई। तो अभी पूरी तरह से ऐसा लग रहा है की सरकार इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी 15 तारीख से उच्च शिक्षण संस्थान खुलने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ भाटिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।